हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यस बैंक के ऊपर एक बुरी न्यूज़ आई है, वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। यहाँ पर देखिए, 1 घंटे पहले की न्यूज़ है। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट है यहाँ देखिए 1 घंटे पहले आई है, फिर यहाँ पर देखिए 1 घंटे पहले ही ये न्यूज़ आई है दोस्तों। यस बैंक को दोस्तों डाउनग्रेडेड कर दिया गया है मोदी ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे कि डाउनग्रेड करने से क्या होगा। दोस्तों, डाउनग्रेड करने से इसका लेवल कम हो जाएगा और हो सकता है आने वाले दिनों में इसका शेयर का जो प्राइस है वो भी डिक्रीज़ हो जाए। और दोस्तों, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोदी ने जो डाउनग्रेडेड किया है यस बैंक को, वो क्यों किया गया है दोस्तों, क्योंकि रिटेंड एट नेगेटिव। क्योंकि दोस्तों, अभी यस बैंक कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि दोस्तों उसका कैपिटल जो रेज होने वाला था, जो कैपिटल रेज होने वाला था वो भी मतलब 100% उसका जो भी समाधान नहीं निकल पाया। उसके बावजूद भी दोस्तों इसका जो असेट क्वालिटी है वो भी बहुत बुरा बताया जा रहा है दोस्तों। मोदी और जितने भी हमारे ब्रोकरेज है सब बता रहे दोस्तों, इसका जो असेट क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, ना ही कैपिटल में इम्प्रूवमेंट हो रहा है दोस्तों। और उसके वजह से ये बैंक मतलब कि काम नहीं कर पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है किसी भी प्लान को, ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा दोस्तों। जब तक ये एग्जीक्यूशन वाले प्लान पे नहीं आएगा, तब तक इसको लॉस ही लॉस होता रहेगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यस बैंक को एक बार और पहले भी डाउनग्रेडेड कर दिया गया था, और डाउनग्रेडेड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फॉरेन करेंसी इशू रेटिंग जो दिया गया था टू देखिए B2 फ्रॉम BA3, तो मतलब कि यहाँ पर देखिए जो रेटिंग दिया गया है दोस्तों, इस बार भी इसको जो है थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये कब तक डाउनग्रेड चलता रहेगा, क्या इसमें कभी भी अपग्रेड नहीं आएगा, अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा यस बैंक को? देखिए, इसका तो एक ही समाधान है दोस्तों, अब भी इसका क्वार्टरली रिजल्ट में भी बहुत ज़्यादा का मतलब दोस्तों ये पॉजिटिव में आ ही नहीं पा रहा। देखिए, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है वो आपको बता देना चाहता हूँ एक बार। एक तो हमारा कैपिटल, मान लीजिए अगर मैंने 100 रुपीज़ लाया मार्केट में, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए, और जब भी मैं मार्केट में इन्वेस्ट किया तो मेरा 95 हो गया, फिर 90 रुपीज़ हो गया, फिर 80 रुपीज़ हो गया, मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो धीरे धीरे मुझे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे, क्या दिक्कत की बात है, 5 रुपया ही तो डूबा है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, इतना से क्या होगा, अभी भी तो तुम्हारे पास 80% है। लेकिन दोस्तों, सपोज अगर आपने मार्केट में 100 रुपीज़ लाया था और 100 रुपीज़ से अगर आपने 2 रुपीज़ ही अर्न करता तो आपके पास कितना रहता दोस्तों, 80, मतलब 20 पहले आपने डुबाया था, ठीक है, तो वो 20 को भी प्लस कर दीजिए, क्योंकि आपका कैपिटल बन जाएगा वो 100 के 100 रुपीज़, जितना भी आपने लाया था घर से उतना आपके पास है 100, और 100 के बाद दोस्तों आपने 2 रुपीज़ कमाया, मतलब 2%, वो भी आपके पास रह जाएगा। तो आप अपने पैसे को सेफ रखना सीखिए, तब जाके आगे आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट मिलेगा। और कई जगह ये भी बताया जा रहा है कि यस बैंक का जो असेट है, देखिए यहाँ पर जो वो भी इम्प्रूवमेंट में नहीं हो पा रहा है, इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो उसके वजह से भी यस बैंक में बहुत ज़्यादा गिरावट देख रही है दोस्तों। तो ये जो न्यूज़ आया है अभी 1 घंटे के पहले का है। और सबसे बुरी बात यहाँ पर ये बताई जा रही है आप लोगों को, देखिए दोस्तों, ये सबसे मतलब कि यस बैंक के लिए मतलब बुरी खबर है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, इसको जो कैपिटल रेज होने के लिए जो प्लान किया गया था अराउंड 2 बिलियन के आसपास किया गया था दोस्तों, तो लेकिन वो भी क्या है दोस्तों, अनइम्प्रेसिव है, मतलब कि दोस्तों वो जो 2 बिलियन है वो भी इसके लिए सफिशेंट नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, ये भी मतलब कि डाउनग्रेडेड करने के बाद ये भी आपको बताया जा रहा। तो देखिए, अगर इसको कैपिटल भी रेज हो जाने के बाद अगर इसमें जो है अपना इंप्रेसिव अप्रिसिएशन नहीं कर पाता है यस बैंक, तो ये बहुत बुरी बात है दोस्तों आने वाले दिनों में। फिर मुझे लगता है कि ये जो 70 का लेवल पे 70 के लेवल में ही दोस्तों ये ट्रेड करता रहेगा। तो अगर ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनको जो लोग यस बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं।